जैविक खेती की जानकारी लेकर विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता कर दौरे की जानकारी साझा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश में जैविक खेती की संभावनाओं को देखते हुए एक प्रतिनिधि मंडल 3 देशों के दौरे पर गया था, जिसके बाद तय किया गया कि उत्तराखंड के उत्पादों का विदेश में होगा निर्यात। वही राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इन देशों की 4 कंपनियों को उत्तराखंड में आने का न्योता दिया है। आलू, मल्टा, सेब, अखरोट, कीवी के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। 2025 तक उत्पादों को किया जाएगा दोगुना। ये नहीं कि वहाँ नुकसान नहीं होता, नुकसान वहाँ भी होता है, लेकिन अब जैसे कीवी है, कीवी को बंदर नहीं खाता तो हमें ब्रोकली करेंगे, हालांकि उसके लिए भीड़ भाड़ के लिए उसके लिए हमने व्यवस्था की है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बाकी जंगली जानवरों को मारने का भी जो राज्य सरकार ने परमिशन दी है उसकी वजह से जंगली सोरा से आप उसको मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें अपने उपज को हम अगर बदली कर दें, अब जैसे उदाहरण के लिए जहाँ धान उगाते थे, मैंने जब उधमसिंह नगर में था, मैंने आपसे ये कि मैंने कहा धान से आपको कितना फायदा होता था, चल रहा जब से हमने मक्का उगाना शुरू किया है हमें कीमत ज्यादा मिल रही है, तो अपने उत्पाद को भी चेंज कर सकते हैं कि हमने क्या लगाना है अपनी भूमि को देखते हुए, तो दिशा में हम बात करते हैं। कई जगह अभी आठ बुक हमारा स्टूडेंट था, अभी नौ गाँव के अंदर हमें मंडी बना रहे हैं, उसमें भी हमने इसकी व्यवस्था की है। और हमें पूरे अपने जो हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है इसका अध्ययन करने के बाद, ताकि हमारे किसानों को अब सीजन में जो सेब बहुत सस्ता मिलता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख लें, और नवंबर में हम निकाले दिवाली के टाइम पे तो उसको सही बन जाती है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस इसमें है कि अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज हम यहाँ पर बनाएंगे, ताकि किसानों को उसकी फसल के सही दाम मिले। और दूसरा तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान के खेत से रोड हेड तक उसका जो है फल फ्रूट जो है उत्पाद नहीं आ पाता, उसके लिए जगह जगह हम ट्रॉली लगा रहे हैं, जो हिसाब से बागवानी है हम सुनिश्चित करेंगे कि किसान का उत्पाद जो रोड हेड तक पहुँचे, ताकि उसको सही करें।